भोपाल जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष आसिफ जकी ने 10 दिन लॉकडाउन के निर्णय की निंदा की है और मुख्यमंत्री से ऐसे तुगलकी आदेश को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। नरोत्तम मिश्रा जी ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि 24 तारीख की रात को 12 बजे से लेकर 10 दिन का भोपाल शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा नगर निगम सीमा में। इस घोषणा की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस निर्णय से हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोगों में बहुत ही आक्रोश है। ऐसे समय में जब हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग त्यौहार की तैयारी करने में लगे हुए थे, ऐसे समय में ये लॉकडाउन का निर्णय एक हिटलर शाही का निर्णय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मेरी ये मांग है कि इस पर तत्काल पुनर्विचार करें और इस निर्णय को तत्काल वापस लें, क्योंकि कोरोना मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में फैला हुआ है और कोरोना से बचने के उपाय जिस वक्त करना चाहिए था आज से एक माह पहले, उस समय शिवराज जी और उनके गृह मंत्री और उनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों को तोड़कर, उनको लालच देके, उनको पैसे देकर अपने पास लाने में लगे हुए थे जब कोरोना का फैलने का डर नहीं था। और अब जब कोरोना का रूप बढ़ रहा है तो ऐसे समय में लॉकडाउन की घोषणा करना उचित नहीं है। हम सब समाज के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें अच्छा हो हमारा अच्छा और बुरा जानते हैं। हम सब आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन त्यौहार को मनाने के लिए जिस प्रकार से रोक लगाई गई है, इसमें ना तो हमारे धार्मिक गुरुओं की सलाह ली गई, ना ही जनप्रतिनिधियों की कोई सलाह ली गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।